दोस्तों हमारा न्यू ट्राइपॉड आ चुका है। पिछला ट्राइपॉड डैमेज होने के कारण हमने उसे रिप्लेस करा दिया था, तो ये रिप्लेस कराने में लगभग 2 दिन का समय लगा। तो आज ये ट्राइपॉड की डिलीवरी हो गई थी, हमने पिछले वाले को उन्हें वापस कर दिया और ये न्यू वाला आ गया। चलिए तो आज हम देखते हैं कि ये पिछले बार की तरह कोई डिफेक्ट ना हो इसमें, वरना इसे भी रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। चलिए तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में से सारा सामान बाहर निकाल लिया और उसमें निकलता है एक अप टू 50 रुपीज कैशबैक कूपन। एक मिलता है मोबाइल होल्डर जिसे हम आगे ट्राइपॉड में लगाएंगे, देखते हैं। चलिए तो ट्राइपॉड को बाहर निकालते हैं। एक इसका बैग, इस ट्राइपॉड में भी थोड़ा सा डिफेक्ट नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। इन्होंने रिप्लेस करके भेजा लेकिन दोबारा से थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और देखते हैं, हो सकता है और भी कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंट है और एक ऊपर हल्का छोटा नज़र आ रहा है। 3 डेंट हैं इसमें, एक बड़ा, बाकी के 2 छोटे छोटे। देखते हैं अगर ये यूज करने लायक नहीं हुआ तो इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये क्या है इसका, इस ये भी थोड़ा सा बाहर को निकल रहा है, देख सकते हैं। हो सकता है ये शायद फिक्स हो जाए, ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो इसे भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसे हमने खोल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी फिलहाल। ये इसका एक हैंडल है जिससे इसे हम थोड़ा इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ से इसे लूज करके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, और जितनी चाहिए उस पर इसे टाइट कर दो कुछ इस प्रकार से। हैंडल को उल्टा घुमाने पर ये वापस से नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इसे स्क्रू टाइट कर दो जिससे कि ये मूव ना हो फिर। तो ये फिक्स हो गया है, अब ये ना ऊपर होगा ना नीचे। इसे फिक्स करके देखते हैं, ये फिक्स हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें ज़्यादा। ओके, ये फिक्स हो चुका है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका ये भी ठीक काम कर रहा है, पिछली बार ये भी काम नहीं कर रहा था, इसमें भी प्रॉब्लम थी।
इसे हमने ज़्यादा लूज कर दिया था, इसलिए इसका ये जो है छोटा सा बोल्ट ये निकल गया। तो आप ध्यान रखना इसे ज़्यादा लूज ना करें। चलिए दिखाते हैं ये किस जगह फिक्स होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये फिक्स होगा। चलिए तो फिर यहाँ पर इसे फिक्स कर देते हैं, फिर देखते हैं इसे टाइट करके दोबारा से। ओके, तो हमने इसे फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे टाइट करने में। चलिए अब मोबाइल होल्डर को भी इसमें लगा देते हैं। ओके, तो मोबाइल होल्डर हमने फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मूवमेंट वगैरह आप देख सकते हैं आसानी से टाइट हो रहा है, ढीला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए उससे पहले हमें यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ढीला करना होगा और जिस पोजीशन पे हमें चाहिए उस पोजीशन पे रोक करके हम इसे वापस से टाइट कर देंगे। चलिए इसमें मोबाइल ला करके देखते हैं। मोबाइल एक ही है तो मोबाइल का कवर हमने यूज़ कर लिया है डेमो के लिए, किस तरीके से हम इसमें मोबाइल लगा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, सब परफेक्ट है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्राइपॉड है ये बैलेंस है या नहीं। अगर ये बबल जो है सेंटर में अगर रहता है तो आप समझ जाइए कि ट्राइपॉड बिल्कुल सही तरीके से बैलेंस है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आप समझिए कि थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। तो यहाँ से हम उसे फिक्स कर सकते हैं देख कर कि बबल बिल्कुल सेंटर में है। चलिए अब हम इसकी हाइट चेक कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, और ये भी पता चल जाएगा जो इसका ये जो डेंट था ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसे ओपन करने से हमें पता चल जाएगा थोड़ा। ओके, हमने इसे ओपन कर लिया है। इसकी मैक्स हाइट है लगभग 4.5 फीट की। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो। मैं आपको बताना भूल गया, हमने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था 700 रुपीज़ में, और इस ट्राइपॉड का नाम है टाइगोट 3366। तो ये पिछले बार से काफ़ी ठीक है, थोड़ा बहुत डेंट है जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।